परदेसी रे में एक जो लड़का है ये फोक सिंगर है, पढ़ता है, लेकिन इसका ये मानना है कि भाई पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी खेती बाड़ी करना छोड़ दें। पढ़ लिख के ज़्यादा अच्छे तरीके से खेती बाड़ी की जा सकती है। और इसका ये भी मानना है कि ठीक है, ग्लोबल विलेज की बात लोग करते हैं कि आज की तारीख में दुनिया एक गाँव हो गई है, लेकिन अगर मान लीजिए दुनिया एक गाँव है तो आपका अपना देश उस गाँव का एक घर, तो अपने घर को सजाने संवारने और बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो एक इस विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है कि आप पूरी दुनिया में तो जाइए लेकिन अपनी जड़ों से बिना उखड़े हुए और या जड़ों से बिना अलग हुए, आप अगर आप अपने रूटेड हैं, अगर आप अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया में आपकी छाया है, पूरी दुनिया में आपके फल फैल सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। देखिए, इस किरदार को निभाने के लिए सबसे पहले तो मुझे दुबला होना पड़ा, मैंने अपना वज़न कम किया। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो सबसे बड़ी झंझट थी वो ये झंझट थी कि इसमें 8 गाने हैं और 8 गानों में से 8 के 8 गानों में मैं नाच रहा हूँ, और नाचा मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं है। बारातों में नहीं नाचा, डिस्को में नहीं नाचा, पब में नहीं नाचा, कभी किसी पार्टी में नहीं नाचा। तो मेरे लिए अपने आप में एक असाध्य परिश्रम की बात थी, एक असाध्य बात थी जिसको मुझे साधना था, तो वो एक प्रयास मुझे करना था। फिर मैंने इस फिल्म में एक गाना अपनी आवाज़ में भी गाया है, जो कि आज तक कभी जिस व्यक्ति ने सिर्फ या तो बाथरूम में ही गुनगुनाया हो, उस व्यक्ति को अगर पहले पर्दे के ऊपर उसकी आवाज़ प्रचारित या प्रसारित करने का मौका मिले, तो अपने आप में एक बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम था। और गुरु कृपा से ये काम या ये चुनौतियाँ बहुत अच्छे से संभालने की क्षमता मुझे मिल गई। देखिए, बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं, और जहाँ तक मेरे अंदर जो या मेरी जो इच्छा है कि विविधता ढूंढता रहता हूँ अपने तमाम किरदारों के अंदर, तो एक विविधता की दृष्टि से एक बिल्कुल ही जुदा किरदार है जो अभी तक मैंने अपने जीवन में कभी अभिनीत नहीं किया। तो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और एक अजीब सा अनुभव रहा है, क्योंकि मूल स्वभाव के काफ़ी ज़्यादा करीब है ये इस फिल्म का किरदार, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, मेरे जीवन में तो अगर आप देखें तो मेरा पूरा का पूरा जीवन नए निर्देशकों के साथ ही जुड़ा है। जब तनुजा ने दुश्मन डायरेक्ट की थी तो वो नई थी, उनकी पहली फिल्म थी। फिर उसके बाद गोविंद मेनन ने जब डेंजर डायरेक्ट की तो वो नए थे, उनकी पहली फिल्म थी। तो ऐसे ही परदेसी रे भी केवल कृष्ण जी की पहली फिल्म है और वो नए हैं। तो मेरा मानना है कि नए लोगों के अंदर ज़्यादा बेचैनी होती है, वो चैन की तलाश में घूम रहे होते हैं, और अगर आपको चैन चाहिए है तो अपनी बेचैनी आप किसी दूसरे बेचैन व्यक्ति के हाथ में सौंप दीजिए, आप पाएंगे कि उसकी बेचैनी ही आपको चैन दिला देगी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं भी नया था जब किन्हीं महेश भट्ट ने मेरे ऊपर विश्वास किया। अगर मुझ नए के ऊपर या इस संभावना के ऊपर विश्वास नहीं करते तो शायद इस संभावना को ये परिणाम देखने ना मिलता। तो नए लोगों में मेरा हमेशा से विश्वास रहा है और जीवन पर्यंत विश्वास रहेगा, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को जीवन पर्यंत या आज भी नया मानता हूँ, क्योंकि हर रोल नया रोल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, और करते समय मुझे वापस मेरी सुई शून्य पे चली जाती है और मुझे शून्य से 100 तक का सफ़र करना पड़ता है। ये अगस्त में हमने प्लानिंग की है इसको रिलीज़ करने की, अगर सब कुछ ठीक रहा तो गुरु कृपा से हम इसको अगस्त में ले आएंगे। इसके अलावा शबनम मौसी निर्माणाधीन है, फिर हासिल एक फिल्म है वो आने वाली है, संध्या एक फिल्म है वो आने वाली है, 2 अक्टूबर एक फिल्म है वो आने वाली है, हम पंछी एक डाल के वो बन गई है,